छात्रों, आज हम क्लास नाइन्थ का क्षितिज के काव्यखंड का चौथा चैप्टर, चैप्टर का नाम कैदी और कोकिला, कोकिला जिसके रचयिता मैत्री शरण गुप्त हैं। कल हम लोगों ने दो कविताएं पढ़ी थी, प्रथम भाग में दो कविताएं पढ़ी थी। आज दूसरे भाग में तीसरी कविता पढ़ेंगे और इसमें आप लोगों ने देखा था कि एक कोयल को माध्यम बनाया है कवि ने, कोयल के माध्यम से वार्तालाप हो रही कवि की। कवि जेल में बंद है, अर्धरात्रि का समय है और कोयल कूकती है। प्रश्नोत्तर श्रेणी में लिखी गई ये कविता मुक्तक छंद में है। तो देखिए तीसरी कविता, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हंस कड़िया क्यों यह विचित्र राज का गहना, कोलू का चंदक क्यों जीवन की तान, किट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोर खींचता लगा पेज पर जुआ, खाली करता हूँ विदित अखर का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भाज को रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। देखिए नीचे कठिन शब्द हैं, जंजीर कड़ी या बंधन, गहना आभूषण, चरण चू कोलू चलने की ध्वनि। कोलू पहले हमारे यहाँ गन्ने की पिराई, सरसों की पिराई कोलू में होता था। बड़े बड़े पत्थर जो आज भी गांव में कहीं कहीं पड़े हैं, बुजुर्गों साहब पूछेंगे तो बताएंगे कोलू क्या होता है। इसको बड़े बड़े बैल खींचा करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किए कि जो जेलों के अंदर इन कोलुओं को खींचने का काम कैदियों से कराया जाता था, जो भारतीय कैदी हुआ करते थे। तो देखें, गिट्टी पत्थर का टूटा छोटा भाग, मोल खींचना कोलू का जरस खींचना, अगर घमंड एंड वेद चीरना, विद्रोह भी क्रांति का प्रारंभ। तो देखें, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का गहना। कभी माखनलाल चतुर्वेदी जी कविता में कोयल को माध्यम बनाकर कह रहे हैं कि ऐ कोयल, क्या आपको हमारे हाथों में पड़े ये जंजीर जो हैं, पैरों में पड़ी जंजीरें और हाथों में पड़ी हथकड़ियां क्या आपको दिखाई नहीं देती हैं, और ये हथकड़ियां क्या, ये तो ब्रिटिश राज्य का, ब्रिटिश लोग या अंग्रेज लोगों द्वारा दिया गया ये तो आभूषण है, गहना है। कोलू का चरक क्यों जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, कोलू का चरक क्यों जीवन की तान, और इस जेल के अंदर कोलू खींचने में जो कोलू की चरक क्यों की ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, उसमें हमें अपने जीवन की तान सुनाई पड़ती है, और ये तान जो है वो हमें जीवन को जीने की प्रेरणा देता है और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए मन में उत्साह भरता है। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, और इस जेल के अंदर जब हम लोग पत्थर की तुड़ाई करते हैं तो ऐसा लगता है पत्थर के टुकड़ों पर अंगुलियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना वाले गीत लिखे जा रहे हो। मोर खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ विदित अखर का कुआं। ये आप देख रहे हैं, खाली करता हूँ विदित अखर का कुआं, ये मतलब बात रूपक अलंकार है इस कविता में, और इसमें रूपक के माध्यम से कवि बात कह रहे हैं। तो देखिए, हूँ मोर खींचता लगा पेट पर जुआ, और जब हम लोग ये कोलू जोवा को अपने पेट लगा कोलू खींचने का काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजों के घमंड को धीरे धीरे, या अंग्रेजों के घमंड को धीरे धीरे काम कर रहे हों। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अये कोयल, दिन का समय जो होता है वो तो संघर्ष, परिश्रम और मेहनत का समय होता है, तो भला उसमें हमें ये करुणा के या खुशी के गीत सुनने की क्या जरूरत,
और इस रुलाने वाली इसलिए रात में गजब ढा रही आ रही, और रात में भी आप ये क्या दुख भरी आवाज में गुनगुना रही हो, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहना चाह रही हो, खुलकर तो बताओ। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भांत रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया, ये मुक्तक छंद है, बार बार प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए हैं। तो देखें, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, वेद वेदना चीरना, निस्तब्ध यानी बिल्कुल शांत वातावरण हो, बिल्कुल कुछ भी आवाज ना हो, ऐसे समय में ये कोयल एक बार की कूकने लगती है तो बड़ी कवि को बड़ी बेचैनी होती है। बेचैनी इस बात की होती है कि ये कोयल कहना क्या चाह रही है, कहीं कुछ उसे बताना तो नहीं चाह रही है। तो देखें, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इस शांत वातावरण में मध्य रात्रि का समय है और ऐसे, और ये रात कैसा बिल्कुल अंधकार युक्त, बिल्कुल कालिमामय रात, ऐसी रात्रि में तुम क्यों रो रही हो, क्या कहना चाह रही हो, कोकिल बोलो तो, आए कोयल बताओ तो, चुपचाप मधुर विद्रोह भी इस भांति रो रही क्यों हो, या आए कोयल तुम इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की, विद्रोह बीज, इसमें भी रूपक अलंकार है, विद्रोह रूपी भी यानी क्रांति का प्रारंभ कर रही हो, इस तरह से क्या आप भी क्रांति का बिगुल फूंक रही हो, क्रांति का बिगुल बजा रही हो। तो देखें, इस पूरी कविता में कहीं ना कहीं कवि जो है इसमें भी जेल के अंदर दी गई यातनाओं का बाखूबी वर्णन किया है, और प्रश्नोत्तर शैली का ये मुक्तक छंद है। आइए इसके बाद हम तीसरी कविता की तरफ बढ़ेंगे। हम ये चौथा कविता है, चौथी कविता है, देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी नव श्रृंखला काली, पहरे की हुंगित की व्याली, तीस पर है गाली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मरमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीलो गीतों को क्यों कर हो तैराते, कोकिल बोलो तो। देखें, इधर शब्दार्थ दिए गए हैं, रजनी यामिनी निशा रजनी विभावनी चपा, रात्रि का प्रायवाची शब्द है, करनी कर्म काल कोठरी, कैदियों को खूंखार कैदियों को जहाँ रखा जाता था वो कमरे बहुत छोटे हुआ करते हैं, और उसमें न कोई रोशनदान होता है, कुछ होता है, हवा भी नहीं आ जा सकती, न रोशनी आ जा सकती, उस कोठरी से मतलब है। कमली कंबल लौ श्रृंखला रोही की जंजीर, हुंकृत हुंकार ब्याली मन नागिन, मधमाती मन उल्लास से भरी, संकट सागर संकट रूपी सागर। देखिए, आइए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, कवि जेल से संबोधित करते हुए कोयल कुत्ते कह रहा है कि है कोयल तो भी काली है, और रात भी बिल्कुल काली है, और ऐसे समय में जो शासन का बर्ताव है, अंग्रेजों का जो बर्ताव है वो भी काला है, कहने का आशय ये है कि अत्याचार अन्याय से भरा हुआ है, उनका जो अत्याचार है वो उसको कालिमा से तुलना की गई है। देखें, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, और ऐसे समय में जो मेरे मन में कल्पनाएं उठती हैं वो बहुत डरावनी होती हैं, मन में डर पैदा करती हैं, मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो कोठरी है जिसमें मैं रहता हूं, मुझे बंदी बनाया गया है, वो बिल्कुल काला है, बिल्कुल घना अंधेरा छाया हुआ है, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, और हम जैसे कैदियों को जो टोपी दिया गया वो भी काली है, जो कंबल दिया गया ओढ़ने के लिए वो भी काला है,
और जिन जंजीरों में हम लोग जकड़ा गया है, बांधा गया है, वो भी काला ही है। पहले की हुंकित की व्याली तिस पर है, गाली है याली, और इस पर भी जो पहरेदार है यहां पर, जब वो हुंकार भरी गालियों से नमाजते हैं, चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं, तब ऐसा लगता है मैं मानो काली नागिन जसने के लिए आ गई हूं। भाव समझे, पहले की हुंकित की व्याली यानी जो पहरेदार लगे हुए हैं, जब हुंकार भरी आवाज में गर्जना करते हुए बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गाली दे रहे हो, और वो गाली नागिन के डसने के समान भयावह होती। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर, संकट सागर इसमें रूपक अलंकार है, संकट रूपी सागर। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती, लेकिन ऐ कोयल इस संकट रूपी सागर पर, यानी जो जो इतना बड़ा संकट मुझ पर आया हुआ है, इस संकट से भी हम घबराने वाले नहीं हैं, और अंग्रेजों के विरुद्ध मरने के लिए तैयार हैं, उनसे लोहा लेने के लिए तैयार हैं, कोकिल बोलो तो। और क्या आप भी ऐसा ही करने के लिए तैयार हो जो इस तरह से अर्धरात के समय में गा रही हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और इस घने अंधकार में आप अपनी वेदनापूर्ण गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात क्यों गा रही हो, ऐ कोकिल मुझे भी तो बताओ। आइए छात्रों, अब हम भाग दो में मतलब अंतिम कविता है, पांचवी कविता है, इसको देखते हैं। तुझे मेरी इस कविता में उस कोयल और कवि दोनों में रहन सहन को लेकर के क्या अंतर है ये देखेंगे। तुझे मेरी हरियाली लाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नंबर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरी गीत कहाँ में वाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकित पर अपने किस से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। तो देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, कभी इस कविता में तुलना कर रहा है अपने रहन सहन में और उस कोयल के रहन सहन में। तो देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, कभी कह रहा है अरे कोयल आपको तो रहने के लिए हरी हरी डालियां मिली हुई है, और मुझे तो एक छोटा सा 10 फुट का कमरा मिला हुआ है जिसमें न रोशन दान है, न कहीं से प्रकाश आ रही है, न कहीं से हवा आ रही है, तेरा ना भर में संचार, और आप तो पूरे स्वच्छंद आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकती हो, टहल सकती हो, पूरे आसमान में घूम सकती हो, मेरा 10 फुट का संसार और मेरा जीवन तो इस 10 फीट के कमरे में ही गुजारा करना है, 10 फीट के कमरे में ही सब कुछ करना है, तेरे गीत कहाँ में वाह, अरे कोई जब आप गाती हो तो पूरा संसार वाह वाह करता है, खुश हो जाता है, और रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन अरे कोयल अगर मैं इस काल कोठरी में इस जेल के अंदर अगर रोऊं भी तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा। अपराध इसलिए होगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं लोग, उन्हें कहीं न कहीं उनका मनोबल गिरेगा और इससे उन्हें बहुत कष्ट पहुंचेगा। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, इस तरह से मेरे जीवन और आपके जीवन के बीच में बहुत बड़ी विषमता है, बहुत बड़ा अंतर है, और इस पर भी आप जो है अंग्रेजी से लोहा लेने के लिए हुंकार भर रही हो, रणभेदी हुंकार भर रही हो, इस हुंकृति पर अपनी कृत्य और कहो क्या कर दूं, प्रथमाचक चिन्ह लग गया है। देखें, कवि कह रहा है कि अरे कोयल तुम्हारे इस हुंकार पर जो अंग्रेजों से लेने की तुम भी उकसा रही हो, इस पर मैं जेल के अंदर से अपनी कृतियों के माध्यम से इस अग्नि को, कैसी अग्नि, जो स्वतंत्रता आंदोलन की अग्नि लगी हुई है, इसको हम और कैसे भड़का दूं, इस अग्नि को और कैसे अधिक प्रज्वलित कर दूं कोकिल बोलो तो।
हाय कोयल, ये मुझे आप ही बताओ किस तरह से मैं अपनी कितनियों से इस स्वतंत्रता आंदोलन को और ऊंचाइयां दे सकता हूँ और लोगों में उत्साह भर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। मोहन से तात्पर्य यहाँ महात्मा गांधी जी से है। उन्होंने देश को आजाद कराने में महती भूमिका अदा की है। तो देखें इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि ऐ कोयल, महात्मा गांधी के इस आंदोलन में मैं अपने प्राणों के रस को किस तरह से अर्पित कर सकता हूं, किस तरह से और अच्छे कार्यों में लगा सकता हूं। ऐ कोयल, ये तुम ही हमें बतलाओ।